दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब थर्ड इशू बारे थोड़ा की कहना। देखो जुझारवर कमलजीत सिंह मान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी फतेह की कहते फतेह। हैं। खालिस्तान जिंदाबाद। कुलविंदर जीत सिंह कहते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। RSS का एजेंडा इंडियन मीडिया क्यों नहीं उठा रहा है? RSS का एक्सट्रीमिस्ट हिंदू एजेंडा सब नूं पता है, पर कोई भी इंटरनेशनल या इंडियन मीडिया क्यों नहीं इस नूं चुकदा? सो जाहिर है कुलविंदर जीत सिंह जी, असी बार बार यही दोहराते हैं कि भाई जिन्हों कद सर कपूर सिंह ने कहा सी, ये तो 1995 जी कहा सी कि भी मुल्क हिंदू का राज तिकड़ी का गुरु राखा पाई सिखड़े का। अजे तो ये यूपी दियाँ चोणा च जो हाल मुलायम सिंह यादव की पार्टी जी है लीरो लीर हो रही है जी। जे कि साइजेबल सीटा BJP नूं मिल गई हैं और इन्हों के मैंबर जड़े ने बाद दे विच इत्थों ही MLA राज्यसभा च भेजते हैं। अजे तो उन्होंने राज्यसभा दे विच अपर हाउस च मेजोरिटी नहीं है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोई नहीं कर सकते बदलने की। जिस दिन राज्यसभा दे विच इन्हां दी मेजोरिटी हो गई इन्हां ने तो बिल्कुल उन्होंने हिंदू नेशन भी डिकलेयर करना है, ला भी सारे मुका देने ने जिहड़े को परसनल लॉ ने, और फिर साडा हाल की होएगा इस बारे कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए। हुण जाहिर है कि इस वेले अमरीका की शह दे उत्ते भारत किस किस्म का माहौल सिरज रहा है। एक पासे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात करवा के जिस तरह ये लेटेस्ट पुलिस ट्रेनिंग कैंपस के अंदर कोयटे दे विच ये दहशतगर्द हमला करवाया, दूसरे पासे जिहड़ी चीन नाल लगदी सरहद है उस दे उत्ते जिहड़ा प्रोवोकेशन पड़काट। हुण एक पासे असीं देखते हैं कि जदों एम्बेसीज एम्बेसडर्स हाई कमिशन की गल हुंदी है वह अपने देश की नुमाइंदगी करते हैं दूसरे देश के विच, उन्हां दे अंदरूनी मामलों के विच वो इंटरफीयर नहीं करते, पर ये इत्थे जिहड़ियां इंडियन एम्बेसीज कौंसलेट ने वो किस तरीके नाल अंदर वड़दे ने और किवें साडे गुरद्वारियां दे मामले च इंटरफीयर करते हैं। फ्रेज़नो सिटी कौंसल च 1984 नूं जेनोसाइड बनाने दे मुद्दे ते इंटरफीयर कीता जी। और हुण यही काम अमरीका जिहड़ा है इंडिया दे विच कर रहा है। जाहिर है कि 62 वार दा जिक्र असी कीता सी 20 अक्तूबर नूं कि किवें इंडिया ने जिहड़ी है वो एडवांस जिहड़ी है वो नीति दे थले जदों चाइना की टैरिटरी जाके अपनियां चौंकियां बनाईयां, फिर उन्होंने कहड़ी किवें इन्हां नूं कटापा चाढ़िया। हालांकि उस पीरियड जिहड़ा अज नूं इह अरुणाचल कहिंदे ने और तवांग वर्गा इलाका जिहड़ा उन्होंने लै लिया सी, पर उन्होंने फिर वापस मोड़ दिता है। लद्दाख दे विच उन्होंने जिहड़ा अक्साई चिन वो एरिया अपने कोल रख्या, पर हुण अमरीका खाम खा उस खिते दे विच पड़काट पैदा कर रहा है। और पिछले दिनों च जिहड़ा अमरीका का एम्बेसडर है रिचर्ड वर्मा, यह पंजाबी हिंदू है ईसाई बनया होया, ये उत्थे खास तौर दे उत्ते जिहड़ा अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर है उहदे सद्दे उत्ते जिहड़ा है वह गया, एक तवांग फैसटिवल से उहदे च उन्हें पार्टीसपेट किया। नाल दी नाल चाइना ने इस दे उत्ते जोरदार प्रोटेस्ट किया और यह खबर है बीजिंग डेटलाइन चाइना ऑन मंडे वॉर। हुण जिहनूं इह अरुणाचल प्रदेश कहिंदे ने चाइना इहनूं साउथ तिब्बत कहिंदा और वह हमेशा ही कहिंदा भी ये साडा हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, तिब्बत का हिस्सा है, और इंडिया नूं उन्हें कई बार कहा भी इहनूं साडे हवाले करो। चाइना ऑन मंडे वॉर्न टू US अगेंस्ट इंटरफियरिंग इन साइनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट एज इट ऑब्जेक्टेड टू US एनवॉयज विजिट टू द डिस्प्यूटेड स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये उत्थे गया अमरीकन एम्बेसडर इन ए स्टेटमेंट इशू ड्यूरिंग प्रेस ब्रीफिंग ऑन संडे। चाइनीज फॉरन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन लू कांग सेड द विजिट वुड कंप्लीकेट द डिस्प्यूट एंड डिस्टर्ब पीस। हुण जदों चाइना इस किस्म का ऑफिशियल वार्निंग दिंदा है तो इट मीनस उन्होंने कहा फॉरन मिनिस्टर ने कि भी ये तुसीं इस झगड़े नूं होर भी जिहड़ा गुंझलदार बना रहे हो और इत्थे तुसीं शांति भंग कर रहे हो। US एनवॉय टू इंडिया रिचर्ड वर्मा विजिटिड तवांग एन एरिया दैट चाइना क्लेम्स एट इट्स ओन ऑन October 22nd फॉर तवांग फेस्टिवल आफ्टर ही वॉज इनवाइटेड बाय अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू, उहदे इनविटेशन ते गया। सो उहदा इनवाइट करना जाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी बिना इनविटेशन नहीं होएगा। अमरीकन एम्बेसडर का जाना है जाहिर है उन्हें भी क्लीयर है इतों स्टेट डिपार्टमेंट तो लई होएगी। सो इनू कहिंदे ने खाम खा की पड़काट पैदा करना। वी हैव ऑल्सो नोटेड दैट द प्लेस विजिटड बाई सीनियर US डिप्लोमैटिक ऑफिशियल इज ए डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, वी आर फर्मली अपोज टू हिज विजिट। उन्होंने कहा जी असं बिल्कुल उत्थे गया जिहड़ा झगड़े वाली थां है असी दा विरोध करते हैं। चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ साउदर्न तिब्बत एंड रूटीनली प्रोटेस्ट विजिट्स बाय इंडियन लीडर्स
foreign officials and Dalai Lama to the area. India, on the other hand, contests Beijing's occupation of Aksai Chin, a territory the Chinese occupied forcibly by Sino-India War of 1962. I have told you that Aksai Chin has taken it. Both sides held the 19th round of special representatives talk to resolve the disputes over the 3,488 kilometer line of actual control. ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 3,488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਚਾਈਨਾਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਨ ਈਸਟਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰਡਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਦ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਊ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਥਰੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਇੰਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਨੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਏ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਫਰਟਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰ ਪੀਸ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਿਟੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਾ ਅੜਾਓ। ਚਾਈਨਾ ਸੈਡ ਯੂ ਐਸ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਵੁੱਡ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੈਟ ਟਾਕਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਅਰਜ ਦਾ ਯੂ ਐਸ ਟੂ ਸਟੋਪ ਇਟਸ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਸ਼ੂ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮੇਕ ਮੋਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਜਨਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀਸ ਔਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੋ। We believe India and China as two major countries have enough wisdom to properly to deal with the issue and safeguard the fundamental interests of the two people, Lu said. ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਵਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸੈਬੋਟਾਜਿੰਗ ਦਾ ਪੀਸ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ 62 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਅਖੌਤੀ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਥਰਡ ਇਸ਼ੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।